हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सबको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, मैं रहती हूँ मुंबई में। और फ्रेंड्स, यहाँ बजा है सुबह का 5:30 और मैं जा रही हूँ आज गोराई बीच में। बेसिकली मैं गोराई बीच के पास एक रिज़ॉर्ट है जिसमें मैं जा रही हूँ, और उस रिज़ॉर्ट का नाम है जेनेवा रिज़ॉर्ट। तो उस रिज़ॉर्ट में आज हम सब फ्रेंड्स मिलकर के जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमको टाइम मिला तो हम लोग जाएंगे गोराई बीच में। और मुंबई का गोराई बीच बहुत ही फेमस बीच है, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं बीच में एंजॉय करने के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि मुंबई और गोवा दोनों फेमस हैं अपने बीचेस के लिए। दोस्तों, ये जो मेरी पिकनिक है आज की, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ है, मैं उनके साथ जाऊंगी। हम लोगों ने पूरा दिन का अपना प्रोग्राम लाइनअप किया हुआ है। दोस्तों, आज की ये पिकनिक हम लोग जो एंजॉय करने वाले हैं वो हम लोग जेनेवा रिज़ॉर्ट में एंजॉय करने वाले हैं। और जेनेवा रिज़ॉर्ट का जो एड्रेस है वो मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी इसमें, ताकि आप लोग अगर खुद भी जाना चाहते हैं। ये जेनेवा रिज़ॉर्ट बेसिकली है गोराई मनोरी रोड पे, और ये है मलाड वेस्ट में। मलाड मुंबई की बहुत ही फेमस जगह है, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम भी है। तो गाइज, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बट मैं पूरे दिन जो हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग घूमेंगे और रिज़ॉर्ट में, और मैं आपको रिज़ॉर्ट का व्यू भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोग अगर जेनेवा रिज़ॉर्ट में जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइज, आप सब लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो ये बहुत लंबा मैं नहीं बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी जो मेन क्लिप्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो गाइस, जल्दी से चलते हैं हम लोग जेनेवा रिज़ॉर्ट, क्योंकि मुझे लेने के लिए मेरी फ्रेंड आ रही है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो विद इन 3-4 मिनट्स वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, इसलिए मैं आप सब लोगों को अपने साथ जेनेवा रिज़ॉर्ट ले करके चलती हूँ। और हम लोगों को जो यहाँ ब्रेकफास्ट मिला था वो मिला था ब्रेड, जैम, बटर, टी, कॉफी, मिसल पाव, एग भुर्जी पाव, फ्रूट्स, ये सारा कुछ ब्रेकफास्ट में अवेलेबल था। और ये है हम लोगों का रूम जो हम लोगों ने मिलकर के शेयर किया था। रूम बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़, क्लीनिनेस बहुत है। जेनेवा रिज़ॉर्ट में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ इस रिज़ॉर्ट का। आप लोग व्यू देखिए। जो दूसरा एक किसी ऑफिस से लोग आए हैं पिकनिक करने के लिए, वो यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो मैं आपको क्रिकेट मैच भी दिखाती हूँ। और गाइस, अब हो गया था हम लोगों का लंच का टाइम। लंच में था राइस, मटर पनीर, चिकन ग्रेवी थी, चिकन मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने लिया नहीं था, येलो दाल थी, और लंच में था नूडल्स था, मंचूरियन था, क्रिस्पी वेजिटेबल्स थी, नूडल्स बहुत अच्छे थे, सैलेड थी, फ्रूट्स थे, खाने में चपाती थी, बहुत अच्छी चपाती थी, चपाती मुझे अच्छी लगी, फ्रूट्स हो गए थे ख़त्म।
और गाइस हम लोगों को इवनिंग टी में मिली चाय, समोसा, भजिया, जलेबी और चटनी। कोशिश करी है जितना भी कुछ भी मैं इस ब्लॉग में इस रिज़ॉर्ट के बारे में बता सकती थी मैंने इस ब्लॉग में कवर किया है। अपने आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोग को अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी। अगर आप इस रिज़ॉर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मिलते हैं अपने किसी एक नए ब्लॉग में, किसी एक नई अच्छी जगह पर, किसी एक नई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल।